अरे यार जला। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, आप लोग कनेक्टेड हो? हेलो कनेक्टेड हो बेटा? तुम लोगों को 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं अभी हॉस्पिटल से भागते हुए आया हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ मेरे बच्चों, हेलो सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है मेरे बच्चों? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, मैं बड़ी मुश्किल से ना, मेरी वाइफ इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में थी और मैं बड़ी मुश्किल से उठ के यहाँ तक आया हूँ, ठीक है ना? तो मैं 1 घंटा क्लास लूंगा एंड देन आई विल लीव, ठीक है? वो भी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यार पूरे वीक में तुम्हारी क्लास एक ही हुई थी, दो इनफैक्ट एक क्लास हुई थी दरमियान में, ठीक है ना? बाकी नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरा वीक मेरा ऐसे ही गुजरा है। तो बस दुआ करना, अल्लाह खैर करे, ठीक है? 1 घंटा में क्लास लूंगा आप लोग की और फिर इसके बाद जो है वो इनको यहीं घुमा के लगा के दे दूं लैपटॉप, ठीक है ना? ये क्या डर जाएंगे क्या? हाँ यार मैं मतलब आप सब जो है ना वो आप क्या मैं बोलूंगी, मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है तो मैं इस वजह से जो है वो हॉस्पिटल में। बीएफडी मुश्किल हो उनको लैपटॉप लगा के देना। बीएफडी मैं ऑफ कर दूंगा बेटा,
बीएफडी ऑफ कर दूंगा मैं। बस दुआ करना यार, वो असल में ऑपरेशन वगैरह का चक्कर है, उस वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जला गल्ला भाई, जला गल्ला। अच्छा जी, स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों? यार एक तो लैपटॉप ये घुमा के लगा के दे दो, लगा दो। यार किसी फालतू बंदे को एक्सेस नहीं देना। अच्छा चलो यार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर हम देखें, लास्ट क्लास में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया था और हमने उसमें बड़ी बेसिक बेसिक दो तीन एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है जी। मैं वो एग्जांपल एक आपके सामने रख रहा हूँ और उसमें एक छोटी सी चीज मैं चेंज करूंगा, लेकिन पहले बड़ी बेसिक सी एग्जांपल रख रहा हूँ। मुझे बताएं, एक प्रोजेक्ट है जिसको जिसमें मिसाल के तौर पर आपको बनाना है एक एक ब्रिज बना के देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक ब्रिज बना के देना। इसका रेवेन्यू है 100 मिलियन रुपए। 100 मिलियन रुपए आपको कोट किए गए, 100 मिलियन रुपए आपने देने हैं सर, ठीक है जी। 100 मिलियन रुपए आपको मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल, ठीक है जी। इसका टोटल रेवेन्यू 100 मिलियन होगा, ठीक है जी। सर मेरे पास पहले साल इस कॉन्ट्रैक्ट पे सर कोई 20 रुपए का खर्चा हो चुका है और मुझे लग रहा है कि सर कॉस्ट टू डेट फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जिस पर मजीद लगनी है वो लगनी है 60 रुपए की, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिटेबल है या नहीं है, है या नहीं ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिटेबल, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल ओवरऑल बेसिस पे बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। यार इसका चार्जर पड़ा होगा बैग पे। एक एक आ रही है? अच्छा 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 मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ जी, अब बता सर मेरे पास क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि 100 रुपए की सेल है, 20 रुपए की अब तक कॉस्ट हो चुकी है, 60 रुपए की मजीद कॉस्ट लगेगी, 20 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा?
सर अगर मैं आपसे कहूँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करें इसकी, कैसे कैसे डिटरमिन करूंगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन? जी जनाब, कैसे डिटरमिन करूं सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन? सर मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट पे 20 रुपए का काम हो चुका है और टोटल 80 रुपए का काम होना है, तो मुझे बताएं सर मेरे पास कितने परसेंट काम हो चुका है सर? कॉस्ट इनकर डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जी कितने परसेंट कॉस्ट काम हो चुका है? 25%। देखें इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल बेसिस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल बेसिस पे हमें सर कोई 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और सर हम कोई 25% काम कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा 25% काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में जाएगा या IAS 37 में जाएगा? जी जल्दी बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में जाएगा IAS 37 में जाएगा? जल्दी बताओ सर IFRS 15 में, क्यों, रीजन क्या है इसका? सर एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में रहता है, एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कहां चला जाता है? IAS 37 में चला जाता है, सही है? तो सर अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारा भाई कि मेरे पास इसकी अकाउंटिंग ऐसे करनी है मैंने कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मैंने तीन चीजें निकालनी है, इसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मैंने रेवेन्यू निकालना है, कितना रेवेन्यू निकालना है, कितना सर? 25% ऑफ 100, जी 25 सर, 25% ऑफ टोटल कॉस्ट कितना जी? 25% ऑफ टोटल कॉस्ट कितना जी? 80 रुपए का 25% 20, और मेरे पास प्रॉफिट कितना जी? 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट इज 5, ऐसा यही है ना? अब आओ जरा इसको कंपेयर करो, इसको जरा कंपेयर करो सर, एक एक छोटे से हिसाब किताब से कंपेयर करते हैं इसको। मुझे बताएं सर, अब अगर सेल्स होती 100, कॉस्ट टू डेट होता सर मेरे पास 20, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट होता मेरे पास सर 90, अब बताओ मुझे 10 रुपए का क्या नजर आ रहा है? 10 रुपए का क्या नजर आ रहा है मुझे? लॉस नजर आ रहा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में आता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में आएगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में आएगा? नहीं सर, ये एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम कहां फेंकेंगे? IAS 37 में। ईयर जीरो को देख के हम करते हैं मतलब हाँ हाँ एट दी भाई, यार जीरो पे भी अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है तो आप उसको ऑनरस पे लेके जाओगे। अच्छा क्यों एक बंदा यार जीरो पे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा जिसपे उसको लॉस हो रहा है? फ्यूचर आपको देख रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो, नहीं फ्यूचर को ही तो हम अकाउंट फॉर कर रहे होते, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्यूचर ही तो है, तो क्यों हमें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे जो हमें डे वन से पता है कि लॉस मेकिंग? सर कई रीजन हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कहता है जनाब बात बता, आप एक कंपनी के 5 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और अगर स्टैंडर्ड कहता है जनाब सबको अलग अलग अकाउंट फॉर करना है, मिक्स नहीं करना, ये ना हो कि एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिल के नेट प्रॉफिट आ जाए और आप उसको IFRS 15 का एडमिट मिला, नहीं आपने हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग लेके चलना है। तो बात बता, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कमा रहे होते हो, कुछ पे लॉस हो रहा होता है, तो लॉस मेकिंग को स्टैंड कहता है इसके बावजूद के वो एक पैकेज में डील हुए, आप उसको अलग ही रखें, बेहतर ये कि आप उसको अलग ही रखें, ठीक है जी। जी अब बताएं सर, एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली प्रॉफिटेबल हो बाद में ऑनरस हो जाए, वही हमने देखना है, वही हमने देखना है मोहम्मद अली, आज हमने ये 2-3 केसेस देखने सर, ठीक है जी। अच्छा जी अब आए बताएं सर, ये लॉस मेकिंग है, इज इट अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट? इज इट अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सर? सर डेफिनेटली इट्स अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो बताएं इसको कैसे अकाउंट फॉर करें, इसको कैसे अकाउंट फॉर करें? सर मुझे एक बात बताएं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना आ रहा है, चेक करो जरा, 20/90 कितना आ रहा जी? स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखो उसका कितना आ रहा, सॉरी 110 जी, कितना आ रहा है दोस्त? 18% समथिंग, ऐसे ही 18.18%, यही है? अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं सर, 2 मिनट के लिए ना आप ये भूल जाएं कि ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं कि ये एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं, ठीक है जी, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं। मुझे बताएं पहले स्टेप में हम क्या देखते हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा काम हम क्या करते हैं सर? स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करते हैं, तीसरा काम हम क्या करते हैं सर? एट पीएनएल बनाते हैं जिसको हम क्यूमुलेटिव पीएनएल कहते हैं। बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ है सर, मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए भूल जाएं और रेवेन्यू बुक करें स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, करें जरा क्या आ रहा है? रेवेन्यू बुक करें स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, करें क्या आ रहा है? करें दोस्त क्या आ रहा है? करें क्या आ रहा है सर? रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन से 18.18, कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट करें स्टेज ऑफ कंप्लीशन से
टोटल कॉस्ट का 18% निकालें, टोटल कॉस्ट का 18% निकालें, कितना जी 20, ऐसा ऐसे ही दोस्त, क्या बच रहा है नेट, 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 क्या बच रहा है सर, नेट लॉस बच रहा है कितने का, 1.82 का, ऐसे ही है। लेकिन सर हमें तो आईएस 37 ये कहता है कि ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना लॉस नजर आ रहा है वो अभी के अभी बुक करो, लेकिन ये लॉस तो 1.82 नजर आ रहा है, ये लॉस तो 1.82 नजर आ रहा है सर, ये लॉस तो 1.82 नजर आ रहा है ना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से जो लॉस पूरा बुक नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड कहता है लॉस पूरे का पूरा बुक करो, तो अब बताओ क्या करूं मैं, अब बताओ क्या करूं सर, मैं एक और एक्सपेंस यहां चार्ज करूंगा, वो क्या है सर, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने का, कितने का भैया प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने का दोस्त, कितने का, इतना प्रोविजन बुक करो कि ओवरऑल बेसिस पे तुम्हें क्या नजर आ जाए, 10 रुपए का लॉस नजर आ जाए, ओवरऑल बेसिस पे तुम्हें 10 रुपए का लॉस नजर आ जाए, इतना प्रोविजन बुक करो कि सारे का सारा लॉस इमीडिएटली बुक हो जाए, इतना प्रोविजन बुक करो सर, कितना आ रहा है 8.18 सर, 8.18 का अगर मैं लॉस प्रोविजन बुक करूं तो सर मेरे, अच्छा मुझे बताओ ये जरूरत क्यों पेश आई, क्यों जरूरत पेश आई, क्या हमें मतलब अल्लाह की मार पड़ी है कि हम ये काम कर रहे हैं जी, क्या हमें अल्लाह की मार पड़ी है जी, क्या करें सर हम, इसलिए कि सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो एक फजूल का कॉन्सेप्ट है, जो एक बकवास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, जब तुम सीएफए पढ़ोगे ना तो वो कहते हैं जी अकाउंटिंग एक फजूल चीज है, उसकी वजह पता है क्या, वो कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से एक इंतहाई फजूल चीज है, एक इंतहाई फजूल चीज है, ठीक है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक इंतहाई फजूल चीज है। अच्छा जी दोबारा बता देते हैं सर, दोबारा बता दें मजर, दोबारा बता दें, मुझे एक बात बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अपेरेंटली नजर आ रही एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ है सर, है सर, स्टेज ऑफ कम्प्लीशन सर हमने 20/110 करके निकाल लिया, स्टेज ऑफ कम्प्लीशन से हमने रेवेन्यू बुक किया 18% of 100, स्टेज ऑफ कम्प्लीशन से हमने कॉस्ट बुक की 18% of 110, स्टेज ऑफ कम्प्लीशन से हमने प्रॉफिट बुक किया 18% of 10, सर स्टैंडर्ड कह रहा है भैया लॉस 1.82 नहीं दिखाना है, लॉस दिखाना है मुकम्मल, अब बताओ अगर मुकम्मल लॉस में दिखाऊं तो मेरे पास सर कितने का लॉस बन रहा है 10 रुपए का, तो मुझे क्या बुक करना पड़ रहा है 8.18 का प्रोविजन, 8.18 का प्रोविजन, ये बात समझ में आती है। अच्छा जी अब अगर मैं आपसे एक बड़ी बेसिक सी बात करूं, बड़ी बेसिक सी बात करूं सर, ये सारा लॉस बुक करने का फायदा क्या है, ये सारा लॉस बुक करने का फायदा क्या है, क्यों बोला स्टैंडर्ड ने ऐसा, ऐसा स्टैंडर्ड ने बोला क्यों जी, सर इसलिए कि ये लॉस आज ही हो चुका है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये लॉस रियलाइज हो जाए, अब जब सारे शेयर होल्डर्स को पता है कि जी ये लॉस आगे जाके रियलाइज होना है और मैं उसको आज बुक ना करूं तो सारे भाग जाएंगे, लोग निकलेंगे उठा के चले जाएंगे, शेयर बेच के चले जाएंगे, तो याद रखना सर जो बच जाएगा नुकसान उसको होगा, तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब जो लॉस हो चुका है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो सर आप फिर लॉस जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझे बताएं ये बात ये डायरेक्टर्स को पता होगी नहीं पता होगी, होगी ना, तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्टर अपनी होल्डिंग बेच के भाग सकता है, अगर हम लॉस को रिकॉग्नाइज ना करें तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब सारे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पे जो लॉस होना है ना और वो अनअवॉइडेबल लॉसेस, ये याद रखना अनअवॉइडेबल लॉसेस, व्हाट इज मेंट बाय अनअवॉइडेबल लॉस, मिसाल के तौर पर, नहीं मिसाल के तौर पर हमसे ये कहा जाता है कि 5 रुपए की पेनल्टी पे करके भाग जाओ, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं छोड़ो 5 रुपए की पेनल्टी पे करके भाग जाओ, तो मैं अपने लॉस को उस अमाउंट तक बुक करूंगा जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है जी, मैं उस इस लॉस को उस अमाउंट तक बुक करूंगा जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है जी। देखिए सर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पुराने पास पेपर उठाओगे ना, पुराने पास पेपर्स में आईएस 18 और 11 चलता था, आईएस 11 ये कहता था प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी आईएस 11, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी आईएस 11, और आईएस 11 ये कहता था पूरा पूरा लॉस बुक करो, चाहे पेनल्टी है चाहे नहीं है, जो लॉस है वो पूरा बुक करो। सर आईएस 37 में हमने ये चीज पढ़ी है कि एक चीज होती है बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट जजमेंट, सर एक अगर कोर्ट केस चल रहा है मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है उसमें, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में 8 रुपए में बात हो सकती है, तो सर मैं अपना प्रोविजन 8 रुपए का बुक करूंगा, 10 का बुक नहीं करूंगा। तो याद रखना आईएस 37 ये कहता है कि जनाब आप प्रूडेंस को तो ध्यान में रखो, लेकिन आप लॉस कभी भी अनअवॉइडेबल अमाउंट से ज्यादा बुक नहीं करोगे, ये दिमाग में रखना। तो मेरा बड़ा बेसिक से एक सवाल है, क्या इस लॉस को मैं पूरा पूरा बुक कर लूं? हाँ सर, आईएस 37 ने कब पढ़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, क्या आईएस 37 हमने कब पढ़ा? सर आईएस 37 हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की क्लास में,
इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 18 में है? तो FAR2 में पढ़ा तो नशियो बोलो ना। नहीं सर सिंधी में पढ़ा था। चलो हाँ जी, तुम लोगों को पढ़ाया ना उस्ताद ने भाई। अच्छा जी, तो सर अब ये बेसिक बात भेजे में बैठ गई कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक अदर प्रोविजन आएगा। अब सर अगर इसको कॉपी कर लो तो मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करवा दूं। सब मिल जाएगा मेरे बच्चों। अच्छा भाई मेरे पास ना सारे जो क्लास के लेक्चर्स है ना, इनकी इनकी समरी लेक्चर्स भी पड़े हुए, वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा वक्तन फवक्तन। समरी लेक्चर का फायदा ये होगा कि आप आखिर के टाइम पे ना बैठ के सारे के सारे लेक्चर नहीं सुन सकते बैठ। जी सर इसकी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। IS-37 ये कहता है कि सर जब लॉस फ्यूचर में जा रहा हो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक मटेरियल फैक्टर हो तो उसकी डिस्काउंटिंग करो। नहीं अवेलेबल डाटा तो नहीं कर रहे, ठीक है जी। हैंड आउट भी दे रहा हूँ अभी अभी दे रहा हूँ अभी अभी दे रहा हूँ अभी अभी दे रहा हूँ ग्रुप पे जुल करना अभी अभी दे रहा हूँ मेरी जान। अवॉइडेबल कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या होती है सर? कितने लोगों को, मैं टेक्निकल हो जाऊँ थोड़ा सा, मसला तो नहीं है ना, है टेक्निकल हो जाऊँ थोड़ा सा हो जाऊँ। चलो जी मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों, कितने लोगों ने वर्ड सुने रियल ऑप्शन? What is meant by real option? Real option क्या होता है? Real option एक ऐसा contract है कि मिसाल के तौर पर मैं Manchester United का एक stadium बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा contract है उनके लिए, मैं उनका जो है वो stadium बना रहा हूँ, जो उनका उनका derby होगा मैं वो stadium बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि सर जब मैं उनका stadium बनाने के लिए जाता हूँ तो इतना बड़ा contract है भाई, ये ना हो कि मेरी पूरी कंपनी डूब जाए उसके अंदर। तो मैं काम ये करता हूँ कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मैं एग्जिट करना चाहूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप संभालोगे? तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है यार हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम देख के बताते हैं, हमारे पास और कोई बंदा ऐसा है जो उसको संभाल सके तो देन विल गेट बैक टू यू, ठीक है जी। अब होता ये कि इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करती है कि भाई ठीक है एक बंदा मिल गया है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी पॉइंट पे छोड़ोगे वो इसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, आप उसका प्रीमियम पे कर दो। अच्छा मैं इस इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट प्रीमियम देके 5% 10% का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी होता है मैं दे देता हूं, ठीक है। अब मैं सुकून से बैठ गया साइड, अब इतना तो मुझे पता चल गया कि मेरे प्रॉफिट में जो 10% है रेवेन्यू में वो कट जाएगा, लेकिन एक इत्मीनान हो जाएगा ना, जहां मुझे लगेगा कि लॉस आ रहा है मैं क्या करूंगा भाग जाऊंगा। तो सर होता क्या है कि आप रियल ऑप्शन की अमाउंट पे करके ना गोली हो जाते हो, ठीक है, भाग जाते हो। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है ना वो अमाउंट है जो आप पे करके एग्जिट कर सकते हो, ठीक है ना, उससे ज्यादा लॉस बुक नहीं करना, उससे ज्यादा लॉस बुक नहीं करना। अच्छा बाजू का ये होता है कि यार आप अगर एक काम नहीं कर सकते हो तो वो आपको कहता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट जो सामने वाले से जिससे आपने काम कर कर रहे हो वो कहता है ठीक है भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भागना ना पेनल्टी की अमाउंट पे करो भाग जाओ। अब पेनल्टी की अमाउंट अगर कम है इस लॉस से तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली एक बंदा क्या करेगा सर, पेनल्टी पे करके भाग जाएगा। तो सर याद रखना जो मैक्सिमम अमाउंट सॉरी जो मिनिमम अमाउंट तुम पे करके भाग सकते हो ना उससे ज्यादा लॉस नहीं बुक होना चाहिए, ठीक है जी। मुझे बताओ यहाँ कितने का लॉस आ रहा है? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 100% एंड तक पहुंचा लॉस कितने का आएगा? 10 रुपए का आएगा। अगर आज मैं आपको कहता हूँ कि जी 5 रुपए का लॉस पे ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहोगे? तो मैं हंसते खेलते छोड़ दूंगा। क्यों? मैं कहूंगा भाई लॉस यार 10 रुपए का ऐसे बेहतर है 5 रुपए का लॉस करके भाग जाओ। तो सर पर स्टैंड कहता है 5 रुपए के टोटल लॉस से ज्यादा लॉस आपने बुक नहीं कर, ठीक है। ये बात समझ में आती है सर? ये CFA के हिसाब से घटिया क्यों है? CFA वाला कहता है जनाब जो लॉस अभी इनकर नहीं हुआ ना उसको आप रोप इन कर लेते हो प्रूडेंस के नाम पे, ठीक है जी। तो प्रूडेंट से काम करो, एक सिक्के का एक रुख नहीं देखो ना, दोनों रुख देखो। जो प्रॉफिट्स पड़े हैं इस वक्त वेंचर के अंदर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स पड़े उनको भी बुक करो। इन्वेंटरी तुम्हारे पास कॉस्ट पे आ रही है 10 रुपए की, उसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए, उसको भी ले जाओ 15 में, वो गेन भी बुक करो। अब अगर एक बंदा ऐसे मिसाल के तौर पर आज कंपनी में बैठा हुआ है
दस रुपए की इन्वेंट्री आपने खरीदी, वो आप 15 में बेचोगे, वो बंदा शेयर होल्डर है, वो छोड़ के चला गया, एक नया बंदा आया, आपने उस वक्त इन्वेंट्री 15 की बेची, प्रॉफिट उस वक्त रियलाइज किया, तो वो बेचारा जो पूरे साल बैठा रहा था उसका क्या कसूर है? ठीक है जी, उसको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो ऐसी भाग गया। तो याद रखना सर, मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉस के लिए प्रूडेंस है, प्रॉफिट्स के लिए प्रूडेंस नहीं है उसके अंदर कोई, ठीक है ना। वो कहता है कि भाई लॉस जल्दी बुक कर लो ताकि लोगों को नुकसान ना हो, प्रॉफिट सही है भाई, नुकसान तो ये भी है ना कि मैं शेयर होल्डर था उस वक्त प्रॉफिट था, उस वक्त बुक हो जाना चाहिए था, जैसे मैंने छोड़ा है नाराम खोर इन्वेंट्री बेच दी, इन्वेंट्री बेची प्रॉफिट रियलाइज हुआ, प्रॉफिट रियलाइज हुआ शेयर की प्राइस ऊपर चलेगी, आई एम नॉट द बेनिफिशियरी। ठीक है जी सर, सीएफए ठीक है या अकाउंटेंट ठीक है? ये बड़ी बहस है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अकाउंटेंट ठीक है क्योंकि मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, बीएफडी के वक्त वो ठीक होगा। ठीक है सर, आई एम शेयरिंग द हैंड आउट राइट नाउ, ठीक है जी, बट रुक जाओ जरा सर। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल दूं सर, एक सवाल दूं, कर लोगे? अच्छा, इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, सुनो, इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, सुनो यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात कहूं सर, गौर से सुनना, पॉलिटिशियन वाला जवाब दिया आपने सर, अभी करना पड़ती है पॉलिटिक्स यार, जिंदगी में सीख गए। मुझे बताएं सर, इसमें रेवेन्यू कितना बुक किया आपने? प्रोग्रेस बिल्स डेबिट कितने से, या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 18.18, और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 18.18। फिर सर जो मैंने कॉस्ट इनकर की है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट कितने से? 20 रुपए से। और कैश या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितने से? पता है इसमें मेरे पास ऑलरेडी एक नेट लॉस छुपा हुआ है, कितने का? इसमें एक नेट लॉस छुपा हुआ ऑलरेडी, रेवेन्यू बुक हुआ 18 रुपए से, कॉस्ट बुक हुई 20 रुपए से, बता इसमें ऑलरेडी एक लॉस छुपा हुआ है, कितने का? 1.82 का। तो बाकी का अमाउंट क्या करें सर? लॉस ऑन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने से? 8.18, और प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 8.18। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है भाई, ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे, ऐसा है। फिर गुम हो गया, शीशा खराब, बिल्कुल खत्म शीशा बनाया इसने भाई। मैंने 1 किलो पान खरीद लिया, 1 किलो पान खरीद लिया, 4,500 का पड़ा, ऑनलाइन मंगवा लिया मैंने। हाँ 1.82 का प्रोविजन क्यों बुक नहीं किया? अल्लाह की बंदी, 1.82 का तो लॉस रियलाइज हो चुका है ना, 20 रुपए का रेवेन्यू बुक किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी 18 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 20 रुपए का, तो 1.5 रुपए का रेवेन्यू तो हो चुका है ना, लॉस हो चुका है ना ऑलरेडी। जी बड़े हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मॉड्यूल बी का, है वो खुद ही लॉस हो गया मॉड्यूल बी का। हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा, जिंदा हो ना, जिंदा हो, बड़े आगे। चलो मुझे एक चीज ये बताओ, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने इन्वेंटरी खरीदी, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके एक सवाल पूछ रहा हूं, इन्वेंटरी हमने खरीदी से 10 रुपए की, कैश क्रेडिट 10 रुपए से, डन, ऐसा बाद में पता चला इस इन्वेंटरी की एनआरवी है या सेल्स प्राइस है 8 रुपए, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? एनआरवी लॉस बुक करना चाहिए, एनआरवी लॉस बुक करना चाहिए, क्या एंट्री पास करूंगा? एनआरवी लॉस डेबिट कितने से? 2 रुपए से, और प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 2 रुपए से। सर आप इन्वेंटरी को भी क्रेडिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? प्रोविजन को। बताओ इन्वेंटरी अभी कितने पे आ रही है? इन्वेंटरी अभी कितने पे आ रही है? 10 रुपए पे आ रही है। अब आओ बताओ सर, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, बताओ बेचने जा रहा हूँ तो मैं क्या एंट्री पास करूँ? सर कैश डेबिट कितने से? 8 रुपए से। सेल्स क्रेडिट कितने से? 8 रुपए से, डन, यही है। फिर सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से?
8 रुपए से, बाकी प्रोविजन दो। ऐसा एक बात बताओ, अगर मैं टेक्निकली कहूं, अगर मैं टेक्निकली आपसे एक बात कहूं घुमाने के लिए, फुल घुमाने के लिए, मैं एग्जामिनर, मुझे पता है कि आप लोगों को ये पता बनाना है, मैं आपको घुमाने के लिए ये बात, व्हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 रुपए, मुझे पता था एक आधा चर्सी निकलेगा ऐसा। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास 2 रुपए का लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है, ऑलरेडी बुक हो चुका है 2 रुपए का लॉस, हाँ या ना? क्या 2 रुपए का लॉस ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका है? अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर गधों की तरह 10 रुपए डाल देता तो मेरे पास इस पे 2 रुपए का और लॉस आ जाता। अभी सेल्स बुक हो रही है 8 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 से बुक करते तो 2 रुपए का लॉस एक और दफा आ जाता। 2 रुपए का लॉस तो मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं ना, तो मुझे सर अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिस्ट्रिक्ट करना है किसके ऊपर? 8 रुपए के ऊपर। मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन पे मुझे क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस? क्यों? व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड क्लियर, हम ऑलरेडी सारे का सारा लॉस बुक कर चुके हैं। जब आप इसको बेचोगे तो सिचुएशन होनी चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये याद रखना। कर लोगे हिसाब किताब? हाँ जी कर लोगे, हाँ जी सवाल है पक्का? जी जनाब, किसी को सवाल है इस पे तो पूछ लो। देखो जो प्रोविजन बुक हुआ है ना, लॉस रियलाइज होते वक्त वो रिवर्स होगा, दिमाग में ये रखना। जो प्रोविजन बुक हुआ है वो लॉस रिकग्नाइज करते हुए रियलाइज करते वक्त वो रिवर्स होगा। हमने इस प्रोविजन को इवेंचुअली सेल की ट्रांजेक्शन पे रिवर्स किया है, ये दिमाग में रखना, ये दिमाग में रखना। जुलकरनैन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो 10 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, उस पे 2 रुपए का लॉस बुक किया एनआरवी का। अच्छा देखो, अगर मैं उसको आसानी के लिए ऐसे बुक करता ना, आप लोग बड़े खुश रहते। कैसे? मैं इन्वेंट्री खरीदता 10 रुपए की, एंट्री पास करता इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 10 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। फिर मैं एंट्री लॉस डेबिट कितने से? 2 रुपए से। और इन्वेंट्री डायरेक्ट क्रेडिट कर देता कितने से? 2 रुपए से। तो मुझे प्रोविजन की जरूरत पड़ती नहीं, ऐसा प्रोविजन की जरूरत पड़ती नहीं, 2 रुपए से इन्वेंट्री कम हो जाती। फिर मैं क्या करता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 8 रुपए से। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 8 रुपए से। फिर मैं सेल्स की एंट्री पास करता कैश डेबिट 8 रुपए से, सेल्स क्रेडिट कितने से? 8 रुपए से। तब मुझे पंचायत नहीं करना पड़ती। लेकिन ये दिमाग में रखना सर, एग्जामिनर 100% टाइम्स ये वाला मेथड नहीं ऑप्ट करता, वो जाता है इस मेथड से। अब होता पता है क्या है, लोग प्रोविजन खुशी खुशी बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं प्रोविजन खुशी खुशी, वो कहता है प्रोविजन बुक करो, बुक कर लेंगे लोग। लेकिन सर जब लॉस रियलाइज होता है तो प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये लॉस बुक किया था, प्रोविजन बुक की थी कि यार लॉस पहले से बुक कर लो, जब एक्चुअल लॉस का टाइम आया तो उसको रिवर्स होना चाहिए। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, लोग इसके रिवर्सल में ना फिर फंसे हैं। 2-3 अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा, प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ था, ऑलरेडी बना हुआ था, उसने कहा लास्ट ईयर एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। अब बताओ लॉस रियलाइज हो गया, प्रोविजन ही रिवर्स नहीं किया लोगों ने, 90% लोगों ने प्रोविजन रिवर्स ही नहीं किया। दिमाग में रखना, ये प्रोविजन बना था अनरियलाइज लॉस के लिए। जब लॉस हो गया तो सर मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है जी, याद रहेगा, ये याद रहेगा मेरे बच्चों, याद रहेगा। इसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लो, इसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लो। अच्छा हाँ, ये बताएगा बताएगा साथ, बिल्कुल और
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं डेबिट क्या किया, प्रोग्रेस बिल्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बुलाया तो नहीं अंदर डॉक्टर? बस चले, मैं मेरा फोन उठाए तो मैं उसको वो कर लूंगा, पूछ लूं जरा, मैं कहीं यहाँ से निकलू। उसका अगला एग्जामिनेशन का भी है 2 घंटे में ना, तो 2:45 4:45 पे होगा ना। बस चलो, बस बस चलो 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 ठीक है, मैं आता हूँ। बीएफडी कैंसिल करने में नहीं ले पाऊंगा यार मैं, इनफैक्ट ये क्लास में भी 15-20 मिनट में ऑफ कर। बीएफडी की 2 क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड, पूरी रिकॉर्डेड पड़ी है, टेंशन नहीं। लेकिन अगर हम लोग जून में ज्वाइन करते हो सही? कौन जून में दोस्त है? लेकिन क्यों वेस्ट टाइम, क्यों वेस्ट करें सर? फिर अभी अगर करेंगे तो वो कब कब कोर्स आएगा? 6 महीने ना, 6 महीने, 1 साल। वेरी गुड, बताता हूँ यार मेरे बच्चों, यार अगर मैं यहाँ ऑफ करूँ तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा यार, है? यार वो अपना एक बच्चा है ना, वो उसको बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, क्या नाम है उसका, हमजा, सही भाई? चलो बेटा बस यार मैं ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि वहां है ही नहीं कोई मेरी वाइफ के साथ, वो अंदर छोड़ते भी नहीं है किसी को। ठीक है मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा आज के लिए, जज़ाकअल्लाह बेटा।